हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं कार्यालय प्राचार्य वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ जिला जोधपुर के द्वारा ये 1 सितंबर 2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये पूरी विज्ञप्ति मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गैस फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 8/9/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित है। तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, ये जो नोडल केंद्र है, इस नोडल केंद्र के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि गेस्ट फैकल्टी जो उसको कब तक रखा जाएगा, या तो 24 सप्ताह, ठीक है, या फिर 28 फरवरी। जब भी दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी होगी तभी आपको पद से हटा दिया जाएगा। बाकी ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता आयुक्तालय आगे भी इसको जो है थोड़ा और बढ़ा सकता है, ठीक है। और इसमें प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय आपको जो है प्रदान किए जाते हैं, यानी एक कालांश के आपको 800 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त ये जोड़ दी है कि आप एक सप्ताह में अधिकतम जो है 14 कालांश ही ले सकते हैं, ठीक है। एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और ये पूर्णतया अस्थायी पोस्ट है, ठीक है। और इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 8 सितंबर 2023। तो इस नोडल महाविद्यालय के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय हैं उसमें देख सकते हैं आप विशिरादेरा राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़, इसके अंदर भूगोल प्रथम वर्ष के लिए, गृह विज्ञान स्नातक प्रथम वर्ष के लिए, हिंदी स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए पीजी फाइनल, ठीक है, इनके लिए जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। फिर राजशेष महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला, इसमें इतिहास राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र भूगोल और हिंदी साहित्य सबके अंदर एक एक पोस्ट के लिए जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि इसमें आवेदन फीस क्या है। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये जो नोडल महाविद्यालय है, इस नोडल महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप चाहें तो आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब करके उसके अंदर भी जो है आपको ये आवेदन फॉर्म का PDF उपलब्ध हो जाएगा। उस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है और उसके साथ में अपने एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, अगर आपके कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कराए हैं तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, या अन्य कोई आपके पास में प्रमाण पत्र है उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। और आप चाहें तो जो है इनको बाय हैंड भी नोडल केंद्र के अंदर जमा करा सकते हैं, और आप चाहें तो बाय पोस्ट भी जमा करा सकते हैं। अगर आप बाय पोस्ट जमा कराएंगे तो फिर आपको लिफाफे के ऊपर और ऊपर सबसे पहले क्या लिखना होगा, विद्या संबल योजना के तहत, फिर विषय का नाम लिखना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसका एड्रेस लिख देना है, श्रीमान प्राचार्य महोदय, उसमें नोडल केंद्र का नाम आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये भेजना है, ठीक है। आवेदन की लास्ट जो डेट है वो आपको बताई दी मैंने, 8 सितंबर 2023 लास्ट डेट है, ठीक है। बात करते हैं योग्यता की। तो विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या है,
तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से आपके पास में संबंधित विषय या संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, बाकी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते हैं वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाती है। अब इसके साथ आपको और क्या चाहिए? इसके साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो स्टेट जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ना आप नेट क्वालिफाइड हैं ना आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं, आपने एमफिल या पीएचडी कर रखी है, ठीक है, तो आपकी एमफिल या पीएचडी के बेस पर आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी एमफिल या पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपने प्राप्त की है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, भले ही आपकी डिग्री बाद की है लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन यदि 11 जुलाई 2009 से पहले का है या आपकी डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उस स्थिति में आपकी जो पीएचडी या एमफिल है वो तभी मान्य होगी जब आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल या पीएचडी की है उस विश्वविद्यालय का कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार या संकाय अध्यक्ष या डीन, संकाय अध्यक्ष यानी डीन उसको क्या करेगा, प्रमाणित करेगा किसको कि आपने वो पीएचडी या एमफिल जो है इन 5 पॉइंटों के आधार पर प्राप्त की है, कि वो ये प्रमाणित करेगा कि अभ्यर्थी की जो पीएचडी है वो नियमित पद्धति से प्रदान की गई है और शोध प्रबंध का मूल्यांकन 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है और एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई है और अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से संबंधित 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया है जिसमें एक जो शोध पत्र है वो पीएचडी थीसिस से संबंधित है और उसने 2 जो है विचार गोष्ठियों में या सम्मेलनों के अंदर क्या किया है या सेमिनार के अंदर अपना पेपर वाचन किया है, इनको वो प्रमाणित करके देगा तो वो प्रमाण पत्र जो आपके पास है उस बेस पर ही आप जो है पीएचडी एमफिल के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी एमफिल या पीएचडी जो है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर से किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने अगर की है तो भी आपकी पीएचडी एमफिल जो है वो वैलिड है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी देखनी है कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा ठीक है नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है उन विषयों में अप्लाई करने के लिए आपका नेट या सेट स्लेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी नहीं है। आप पीजी बेस के अंदर 55% के आधार पर भी उस सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन होता है वो एपीआई स्कोर के अंदर होता है, एपीआई स्कोर के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाता है। ये राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद के लिए एपीआई स्कोर तैयार करने की जो तालिका है वो दी गई है। एपीआई का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो ये तालिका है, इसमें आप देखिए स्नातक यानी यूजी, यूजी में अगर आपके 80% या उससे अधिक नंबर आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे, 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे, 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 नंबर दिए जाएंगे और 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं स्नातकोत्तर की यानी पीजी की। अगर आपके पीजी में 80% या उससे अधिक हैं तो 25 नंबर दिए जाएंगे, 60% से अधिक और 80% से कम है तो 23 नंबर दिए जाएंगे और 55% से अधिक और 60% से कम है
तो 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट दी गई है, या आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपने एमफिल कर रखी है तो एमफिल के अंदर अगर आपके 60% या उससे ऊपर आए हुए हैं तो 7 नंबर दिए जाएंगे, 55% से ऊपर और 60% से कम है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। आप जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। आप अकेले नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 8 नंबर प्रदान किए जाएंगे। आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं शोध प्रकाशन की, पेपर पब्लिश्ड की। देखिए पेपर पब्लिकेशन के आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, एक शोध प्रकाशन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 2-3 ही शोध अपने प्रकाशन जो है वो उनकी फोटोकॉपी जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन ये शोध प्रकाशन आपके यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होने चाहिए तो ही वैलिड होंगे, वरना वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, अगर अपन टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको जो है 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे अधिकतम, यानी एक वर्ष का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लगा सकते हैं। अवार्ड की बात करें तो नेशनल या इंटरनेशनल अगर स्तर पर आपको कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो उसके आपको 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल का अगर कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना आपको कि अगर आपने एमफिल या पीएचडी दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ नेट और सेट तीनों कर रखी है या 2 कर रखी है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और अवार्ड यानी पुरस्कार आपने चाहे कितने भी प्राप्त कर रखे हैं लेकिन आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार जो आपका एपीआई स्कोर कार्ड बनेगा वो 100 नंबर का बनेगा, जिसमें शैक्षणिक प्राप्तांक 84 होंगे, शोध प्रकाशन के 6 होंगे और शिक्षण अनुभव के 10 होंगे। इस प्रकार से हर विषय के अंदर एपीआई स्कोर के आधार पर जो है टॉप 3 कैंडिडेट्स जो होंगे उनको कॉल किया जाएगा कॉलेज के द्वारा और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप 3 कैंडिडेट्स का, अगर पहला जो कैंडिडेट्स है उसके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और वो ज्वाइन करने का इच्छुक है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक शपथ पत्र जो है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो है बनवा करके देना पड़ेगा तो ही उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। अगर मान लो पहला कैंडिडेट्स है वो ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है या उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई है या उसने कहीं और किसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, उस सिचुएशन में सेकेंड नंबर वाला जो कैंडिडेट्स है उस सब्जेक्ट के अंदर एपीआई स्कोर वाला उसको जो है वही प्रोसेस उसके साथ में अपनाई जाएगी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उस विषय के अंदर योग्य कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन नहीं कर लेता है। तो इस प्रकार से विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है। तो ये था दोस्तों आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो मैं लेके आया हूँ। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।